मेरा नाम फातिमा है, मैं मुंबई में रहती हूँ और आज मैं आपको अपनी कैंसर जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था एक्सेप्ट कर पाना उस चीज़ को कि मुझे कैंसर है। जब मेरे यूरिन में ब्लड आया मैं गायनेक के पास गई और उन्होंने मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए कहा, तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने ये मेडिसिन से रिजॉल्व कर दी प्रॉब्लम और मेरी लाइफ नॉर्मल पहले की तरह हो गई। बट जब 2017 में मेरे पीरियड्स मिस हुए तो गायनेक ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला और उस अल्ट्रासाउंड में पॉजिटिव प्रेगनेंसी के साथ साथ यूरिन ब्लैडर में भी मास डिटेक्ट हुआ और उसके बाद ये कंफर्म हुआ कि हाँ इट इज़ कैंसर। एक तरफ तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना था और उसके बाद जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया था मेरे डॉक्टर्स ने, पेनफुल इसलिए भी था क्योंकि मेरे बच्चे उस टाइम बहुत छोटे थे, मेरा बेटा 5 साल का और बेटी 1.25 साल की थी। तो वो टाइम मैं ये सोच के बहुत परेशान थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे बाद। TURBT मेरे डॉक्टर्स ने मेरे लिए प्लान किया, मेरे ब्लैडर में से मास निकाला गया, किडनी से भी जो मास था उसका टिश्यू लिया उसी टाइम बायोप्सी के लिए, ये कंफर्मेशन के लिए कि इज़ इट कैंसरस और नॉट। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई दोनों ही कैंसरस थे, जो ब्लैडर का मास था वो लो ग्रेड था और किडनी हाई ग्रेड डिटेक्ट हुआ। जो मेरा फर्स्ट 3 मंथ्स का फॉलोअप था उसके बाद सिस्टोस्कोपी के बाद मुझे पता चला कि मेरे ब्लैडर में फिर से रिअकरेंस है और एक बार मुझे फिर TURBT के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, एकदम टूट गई थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब कुछ नहीं करूँगी। फिर मेरे डॉक्टर्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया कि इसको इतना लाइटली नहीं लेना है और आगे का ट्रीटमेंट हमें कराना है। मुझे BCG इम्यूनोथेरेपी दिया जाएगा जिसकी साइकिल्स कीमोथेरेपी की तरह ही होती हैं और मुझे 15 साइकिल्स के बाद 2 बार साइड इफ़ेक्ट हुआ, जिसमें फर्स्ट टाइम UTI एंड सेकंड टाइम रिएक्टिव आर्थराइटिस हुआ। इतना सब होने के बाद भी मैंने ऊपर वाले पे अपना फेथ और बिलीफ कम नहीं किया और जैसा भी मुझसे बन पड़ता था, मैं जिस सिचुएशन में भी थी उस टाइम, व्हील चेयर पे थी या मैं बेड रिडन थी या जैसा भी था, मैं अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू रखा। मैंने बस हिम्मत से आगे बढ़ती गई। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे कि उनसे मैं इस तरह का कोई बात डिस्कस कर पाऊँ और हस्बैंड को घर और बाहर दोनों मैनेज करना था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख के अपने आप को स्ट्रांग बनाऊंगी। मुझे उस टाइम मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, मतलब कोई भी कैंसर पेशेंट कुछ निगेटिव नहीं सुनना चाहता है, तो मुझे भी बस यही लगता था कि मैं जिन लोगों से भी मिलूँ वो वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिले कि हाँ कहीं से होप मिले कि फातिमा तुम ठीक हो जाओगी। और मेरे हस्बैंड ने तो मेरे लिए एक शील्ड बन के खड़े थे, वो उन्होंने हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना और उनके लव के बिना शायद मैं आज ठीक नहीं हो पाती। कई लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी ये मानकर बैठे हैं कि नहीं अभी मतलब कैंसर हो गया तो इसकी लाइफ ख़त्म। इवन आई हैव फेस सच थिंग्स कि इससे डिस्टेंस बना के रखना है, पर मैंने उन सबको माइंड नहीं करा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि होपलेस मत होना, जो भी है होप से ही हो सकता है। मुझे इस चीज़ से जीतना है और इससे बाहर निकल के उनके लिए सर्वाइव करना है जो मेरे लव्ड वंस हैं।